मैं गुजरात में पैदा हुआ तो स्वाभाविक है कि वर्धा और अमरावती से एक विशेष नाता भी रहता है। पूज्य बापू गुजरात की धरती में पैदा हुए और वर्धा उनकी कर्मभूमि रही है। विनोबा जी भी लंबा समय जीवन का बड़ौदा में बिता करके फिर यहां आए। साथियों, 2024 का ये चुनाव विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का चुनाव है। ये सपना आजादी से भी पहले बापू ने देखा था, इसलिए आज जब देश इस दिशा में निर्णायक कदम उठाने जा रहा है तो इसमें वर्धा का विशेष आशीर्वाद चाहिए। आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, वर्धा और अमरावती का ये प्रचंड समर्थन ये बता रहा है कि विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत का लक्ष्य दूर नहीं है। और मैं देख रहा हूं जितने लोग अंदर है उससे ज्यादा लोग वहां बाहर खड़े हैं, और मैं वर्धा चुनाव सभा में पहले भी आया हूं, लेकिन इतना बड़ा जनसागर पहले एक बार भी नहीं था। आपके आशीर्वाद भी बढ़ रहे हैं, आपका प्यार भी बढ़ रहा है, और इसलिए आज पूरा महाराष्ट्र कह रहा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार।